दोस्तों एक और पार्ट आपके लिए लेके आया हूँ मैं एमपी जीके के बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों का। और 15 से 20 प्रश्न हर वीडियो में हम डिस्कस किया करेंगे। और जो हमारा मैप मैप के साथ जो हम एमपी जीके पढ़ रहे हैं वो भी हम कंटिन्यू रखेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं साइंस के भी इसी टाइप की एक वीडियो सीरीज लेके आऊँ तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और मेरे पास अगर 150 कमेंट्स आते हैं केवल साइंस के लिए, जिस दिन 150 कमेंट्स हो जाएंगे उस सेम डे से मैं साइंस का कंटेंट आपको देना शुरू करूंगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मध्य प्रदेश करंट अफेयर की मैगजीन आ गई है जनवरी से लेकर जून तक की, और जुलाई से दिसंबर तक 2018 तक की जो करंट अफेयर की मैगजीन है वो मैं तैयार कर रहा हूँ, जल्दी ही आपके लिए लेके आऊंगा। और डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप इसको ले सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्री हिस्टोरिक पेंटेड रॉक शेल्टर्स एट सीता खर्दी आर लोकेटेड इन। सीता खर्दी पर पूर्व ऐतिहासिक चित्रित रॉक आश्रय डेस में स्थित हैं। देखिए ऐतिहासिक यहाँ पे बात करी जा रही है पूर्व ऐतिहासिक, यानी जिसको हम प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं, प्री हिस्टोरियन पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पे जो पेंटेड रॉक शेल्टर्स हैं, रॉक शेल्टर्स मतलब आदि मानव जो थे, मतलब बहुत पुराने जो लोग थे वो लोग इस तरीके की गुफाओं में रहते थे। रॉक शेल्टर्स पत्थरों से शेल्टर, शेल्टर मतलब उसके अंदर ये लोग रहते थे, इस तरीके की बात करी जा रही। तो जैसे हमारे जो भीम बैठका में है उसी तरीके की ये सीता खर्दी में है। अभी सीता खर्दी पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पर है, तो सीता खर्दी जो है हमारा भानपुर में है। ठीक है, कहां पर है? भानपुर। और भानपुर कहां पर आता है? हमारा भानपुर तहसील है मंदसौर, मंदसौर की एक तहसील है। और मैं आपको बता दूं ऐसे ही एक और जगह है भानपुर के अलावा, चतुर्भुज नाला मंदसौर में ही, क्या है? चतुर्भुज नाला। चतुर्भुज नाला में भी इसी प्रकार के प्री हिस्टोरिक पेंटेड रॉक शेल्टर्स मिले हैं। ठीक है, ध्यान रखें ये भी आपसे कभी पूछा जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही एक और मैं आपको बताता हूं, मंदसौर तहसील में ही एक जगह है सोनधानी। ठीक है, सोनधानी में भी आपका एक पिलर है जिसको यशो यशो धर्मन पिलर कहा जाता है। ठीक है, यशो धर्मन पिलर या यशो धर्मन खंभा इसको बोला जाता है। और ध्यान रखें आप इसको, क्योंकि ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। यहां पे देखिए ये जो पिलर था ये बनवाया कब था? जब यशो धर्मन ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी तो उसके उपलक्ष्य में उसने ये बनाया था। इसको विजय स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखें विजय स्तंभ इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये मंदसौर तहसील में ही है, कहां पर? सोनधानी में। और इसके अलावा एक और जगह है मंदसौर की गरौठ तहसील में जिसको कहते हैं धमनार। ठीक है, वहां पे भी आपका जो धमनार है वहां पे भी रॉक कट टेम्पल्स हैं। ठीक है, रॉक कट टेम्पल्स मतलब हिस्ट्री की हम पूरी बात कर रहे हैं। रॉक कट मतलब जो पहाड़ों को काट के जो मंदिर या गुफाएं गुफाएं टाइप की जो चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है, वो आपका कहां पे है? धमनार में, गरौठ तहसील में। एक और चीज यहां पर है जो आपका बुद्धिस्ट केव्स हैं, गुफाएं हैं, बुद्ध के समय की गुफाएं यहां पर हैं जिनको बुद्धिस्ट केव कहा जाता है। टोटल कितनी गुफाएं? टोटल 51 गुफाएं, 1 से लेके 51 नंबर तक की टोटल गुफाएं, तो टोटल गुफाएं हो जाएंगी 51। इसके अलावा हम बात करते हैं अगर उंडासा की, तो उंडासा जो है हमारा ये आता है उज्जैन में, उज्जैन जिले में आता है। और इसके अलावा उंडासा में जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे दो टेकरी हैं, एक है आपकी वैश्य टेकरी, ध्यान रखें ये पूछा जा सकता है आपसे कभी भी, वैश्य टेकरी है। दूसरा जो है आपका वो है कुंभर टेकरी, कुंभर टेकरी, टेकरी को इंग्लिश में कहा जाता है माउंड। ठीक है, माउंड, तो ये दो टेकरी यहां पर है। इसके अलावा यहाँ पे तालपुरा, तालपुरा भी आपका है। तालपुरा जो है हमारा सीहोर जिले में आता है, और तालपुरा भी में भी आपकी इसी तरीका के जो पेंटेड रॉक शेल्टर्स हैं वो हैं। दो बौद्ध स्तूप भी यहां पर हैं, छोटे बौद्ध स्तूप भी यहां पर हैं। कहां पर? तालपुरा सीहोर जिले में। ठीक है, स्तूप आपको पता होगा स्तूप किस तरीके वो, आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए अब है मध्य प्रदेश सरकार ने उन लोगों के लिए जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकने का कार्य करते हैं 2015 में एक नए पुरस्कार की घोषणा की थी, इस पुरस्कार का नाम क्या है? बहुत आसान है, ये है हमारा अरुणा शानबाग पुरस्कार। अरुणा शानबाग एक नर्स थी, ठीक है, और इनके साथ दुष्कर्म हुआ था। ठीक है, तो 42 साल तक एक कोमा में रही थी, तो इनकी मृत्यु जब हुई थी तो उसके उनके सम्मान में 2015 में मध्य प्रदेश की जो शिवराज सरकार है उसने एक पुरस्कार पुरस्कार की घोषणा की थी। 1 लाख का जो है ये पुरस्कार है आपका। ठीक है, 1 लाख पुरस्कार दिया जाता है। किसको दिया जाता है? महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकने के जो कार्य करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे जो होते हैं, ठीक है, जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमन होता है उसके अगेंस्ट जो काम करते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है।
अगला क्वेश्चन हमारा, द नर्मदा एंड ताप्ती रिवर्स फ्लो वेस्टवर्ड एंड ज्वाइन द, नर्मदा और ताप्ती नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं और डेस में शामिल होती हैं। तो ये देखिए अरब सागर में जाके शामिल होती हैं, ठीक है, बहुत आसान है। पश्चिम की तरफ बहने वाली दो ही नदियां हैं, तो मतलब बहुत आसान है कई बार। और ये कहाँ नर्मदा नदी है जैसे, तो नर्मदा नदी गुजरात में कहाँ पे, खंबात की जो खाड़ी है, ठीक है, खंबात की खाड़ी में जाके समुन्दर से मिल जाती हैं, अरब सागर से मिल जाती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कैलाश सत्यार्थी रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो बहुत आसान है, ये कहाँ किस में मिला था, शांति के क्षेत्र में इनको मिला था, बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई है, ठीक है, उनको उनके साथ कैलाश सत्यार्थी को ये पुरस्कार मिला था, मतलब शेयर हुआ था ये पुरस्कार, ठीक है। अब इनको किस सन में ये पुरस्कार मिला था, ये पॉइंट आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, सब लोग कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाईएस्ट पीक ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो बहुत बार रिपीट होता है, लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है, वो कौन सी, आपकी धूपगढ़, ठीक है। और पचमढ़ी में ही आपकी एक और चोटी है जो है आपकी चौरागढ़, चौरागढ़ पे एक बहुत प्रसिद्ध शिव मंदिर है, ठीक है, ध्यान रखें बहुत प्रसिद्ध शिव मंदिर है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न फिर से रिपीट हो गया है, नेक्स्ट है, कालिदास अकेडमी इज लोकेटेड एट, कालिदास अकेडमी कहाँ स्थित है। तो ये बहुत आसान है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये है हमारा उज्जैन। अगला प्रश्न है, कौन सा जानवर है जिसे बाघों का डर नहीं है और लगभग मध्य प्रदेश के सभी अभयारण्य और रिजर्व में पाया जाता है, ठीक है, ऑल सेंचुरीज एंड रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश में ये जानवर पाया जाता है और बाघों से इसको किसी भी प्रकार का डर नहीं है, मतलब बाघ इसका शिकार नहीं करते हैं। तो ये है आपका गौर, आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ये भैंस के जैसा ये जानवर ही होता है, भैंस नहीं होती है, वो अलग होता है, बफेलो अलग होता है, ये अलग होता है जिसको गौर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदूरा इज अ डैम कमीशन इन 2002, दिस इज ऑन द रिवर, चंदूरा बांध है जो 2002 में कमीशन प्राप्त हुआ। तो ये जो बांध है ये है ताप्ती नदी पर, कहां पर है ताप्ती नदी पर ये बांध, ये है मुलताई तहसील में बैतूल, ठीक है, कहां पर है बैतूल में, ध्यान रखें बैतूल जिले में है। अगला प्रश्न है, चित्रकूट झरना डैस नदी द्वारा निर्मित किया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो चित्रकूट वाटरफॉल लिखा है, यहाँ पे भी चित्रकूट झरना लिखा है, दोनों ही गलत हैं, ये एक्चुअली चित्रकूट नहीं है। कई लोग क्या है इसको समझ के, अगर यहाँ पे अगर ये पूछा जाए कि कहाँ पर है, और अगर इसमें ऑप्शन सतना होगा तो डेफिनेटली लोग इसमें सतना लगा के आएंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं है, ये चित्रकूट गलत है, ये एक्चुअल में चित्राकूट है, ठीक है, CHITRASKOT, चित्राकोट है, ठीक है, हिंदी में भी इसको चित्राकोट वाटरफॉल बोलते हैं, ठीक है। ये कहां पर है, जगदलपुर में, जगदलपुर, और जगदलपुर कहां है, जगदलपुर है हमारा बस्तर जिले में, बस्तर जिला कहां है, बस्तर जिला है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो ये किसके द्वारा बनाया जाता है, ये इंद्रावती नदी जो कि आपकी गोदावरी की सहायक नदी है, और ये इंद्रावती नदी गोदावरी में कहां जाके मिलती है, आंध्र प्रदेश में मिलती है जाके, ठीक है, गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती ये वाटरफॉल बनाती है, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये इंद्रावती नदी के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 29 मीटर इसकी वाटरफॉल की हाइट है। अगला प्रश्न है, स्तूप है, एक स्तूप क्या है, एक स्तूप बौद्ध अवशेष होते हैं, ठीक है। तो स्तूपों से संबंधित बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जैसे मध्य प्रदेश में भरूच के स्तूप हैं, सांची के स्तूप हैं, दो दो स्तूप अभी हमने हाल में ही जो डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो अगले ये इस तरीके का जो आर्किटेक्चर होता है इसको स्तूप इस कहा जाता है। तो बौद्ध के जो अवशेष हैं, आप ये सिंबल यहां से देख के समझ में आ जाता है कि ये आपके स्तूप हैं। अगला प्रश्न है, जनजातीय लोक और पारंपरिक कलाओं में उत्कृष्टता के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो ये जो पुरस्कार है, जो जनजातीय लोक और पारंपरिक कलाओं में यानी कि ट्राइबल फोक एंड ट्रेडिशनल आर्ट्स में महिलाओं को दिया जाता है, ध्यान रखें महिलाओं को दिया जाता है, ये है आपका देवी अहिल्याबाई पुरस्कार या देवी अहिल्याबाई अवार्ड। और ये स्थापित कब हुआ था, 1996-97 में स्थापित हुआ था। और आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है बता दूं, सबसे पहले जो है तीजन बाई को दिया गया था, ये अवार्ड सबसे पहले तीजन बाई को दिया गया था, आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ये हैं तीजन बाई, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, तीजन बाई जो है ये जो पंडवानी पंडवानी लोक कला, मतलब पंडवानी लोक गीत नाट्य
पूरा एक मतलब होता है, तो उसकी कलाकार हैं। और ये हैं कहाँ की? ये छत्तीसगढ़ की हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ में ये हैं। इनको पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे अवार्ड भी मिल चुके हैं, ठीक है। तानसेन अवार्ड की अगर बात करते हैं, तानसेन का संबंध ग्वालियर से है। तानसेन पुरस्कार जो है 1980 में स्थापित हुआ था, ठीक है। किशोर कुमार का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? खंडवा जिले में हुआ था किशोर कुमार का जन्म। और इनके नाम पे जो पुरस्कार है 1998 में स्थापित हुआ था। लता मंगेशकर का संबंध कहाँ से? इंदौर की है, ठीक है। और इनका लता मंगेशकर पुरस्कार जो है 1984-85 में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय अलंकरण समारोह है कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये बहुत आसान है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये किया जाता है आपका भोपाल में आयोजन, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर है आपका बांधों, संजय सरोवर और सारा के बीच आम क्या है? देखिए पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, ये संजय सरोवर डैम है आपका, और ये है सारथी लिखा हुआ है यहाँ पे, SARTHI, ये वाला डैम है, सारथी डैम है ये, ठीक है। और जो संजय सरोवर डैम है इसको संजय सरोवर डैम कहा जाता है, संजय सरोवर डैम कहा जाता है, ठीक है, भीमगढ़, क्योंकि भीमगढ़ नामक जगह पर है वो। भीमगढ़ नामक जगह जो है ये कहां पर है? ये हमारी सिवनी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, सिवनी जिला में ये आपका आता है। और आपको बता दूं इसकी सबसे खास बात क्या है? सबसे खास बात है ये एशिया का ऐसा पहला बांध है, एशिया का पहला ऐसा बांध है जो पूरे तरीके से मिट्टी का बना हुआ था, ठीक है। इसके अलावा जो सारथी डैम है हमारा, सारथी डैम जो है आपका, देखिए ये तो आपका सिवनी का हो गया, ये बालाघाट और सिवनी दोनों का है, सिवनी और बालाघाट। अब देखिए यहां पे बहुत आसान है, बालाघाट, बालाघाट से क्या बना? बा, और बा से क्या बना? वेनगंगा। तो बा से बालाघाट और बा से वेनगंगा, तो वेनगंगा नदी पर ये बना हुआ है। यहां पे डब्लू जरूर है लेकिन वेनगंगा पढ़ लेते हैं अपन, तो याद बना रहता है, ठीक है। तो ये है आपका पूरा बांध। चलिए आगे बात करते हैं, किस नदी पर साइक्लोपियन बांध बनाया गया है? तो साइक्लोपियन बांध जो है कई बार डिस्कस किया हमने, ये कहां पर है? भोजपुर में। और भोजपुर से कौन सी नदी फ्लो होती है? बेतवा नदी फ्लो होती है। बेतवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की सहायक नदी है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, चंबल सिंध बेतवा किन नदियां उत्तर की ओर बहती हैं और नदी से जाके मिलती हैं? तो ये यमुना की सहायक नदियां आप यहां पे देख सकते हैं। देखिए ये जो नदी है हमारी, ये देखिए यहां से पार्वती नदी जा रही है, पार्वती नदी जाके यहाँ पे चंबल है, चंबल जा रही है, चंबल से मिल जाती है। चंबल नदी जो है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी दोनों की सीमा ये बनाती है। और यहाँ पे जाके देखिए यमुना नदी में यहाँ पे जाके मिल जाती है, यहां से बेतवा रिवर आ रही है और बेतवा रिवर भी जाके यहाँ पे यमुना नदी में मिल जाती है। मतलब ये क्या है, किसकी सहायक नदियां? यमुना की सहायक नदियां। इसके अलावा सिंध नदी, केन नदी, ये सब आपकी यमुना नदी की सहायक नदियां। गंगा की सहायक नदियों की बात करें तो मध्य प्रदेश से संबंधित तो वो कौन सी है? सोन है। सोन नदी आपकी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार तीनों में जाके फ्लो होती है, बिहार में जाके ये गंगा में मिल जाती है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आपकी सोन नदी, और यहाँ पे जाके देखिए ये दे जा रही है आपकी गंगा नदी, यहाँ पे जाके मिल जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, वाई द कन्फ्लुएंस ऑफ विच रिवर्स इज द मंधार वाटर फ्लो फॉर्म्ड? किन नदियों के संगम के द्वारा मंधार झरने का गठन होता है? देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन मैं पहले इंक्लूड नहीं करना चाह रहा था, लेकिन इंक्लूड इसलिए किया क्योंकि जो मंधार झरना है ये हमने किताबों में पढ़ा है कि ये खंडवा में, ठीक है, खंडवा में। अब जो खंडवा है लेकिन खंडवा से नर्मदा नदी फ्लो नहीं होती है, ठीक है, तो थोड़ा सा डाउटफुल है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक बार थोड़ा सा मैं कंफर्म करूंगा, उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर तो वैसे नर्मदा और तबा है, ठीक है। तो ये मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लग रहा है, तो इसको हम अगले वीडियो जो भी बनाएंगे उसमें इसको डिस्कस कर लेंगे एक बार। तो अगला प्रश्न है, द डैम दैट इज लोकेटेड इन भोपाल विच हेल्प्स इन कंट्रोलिंग वाटर फ्रॉम द कलियासोत रिवर इज कॉल्ड? बांध जो भोपाल में स्थित है जो कलियासोत नदी का पानी नियंत्रित करने में सहायक है। तो कलियासोत नदी जो है उस पे जो बांध बनाया गया है वो है भदभदा डैम, ठीक है, ये भोपाल में है भदभदा डैम, ठीक है। इसके अलावा जो जैसे पहसारी बांध की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो पहसारी बांध जो है आपका एक मोबार नदी के ऊपर बना है, ठीक है, मोबार नदी के ऊपर बना है, कहां पर? ग्वालियर में, ठीक है, ग्वालियर में बना है। और इसकी मैं आपको बता दूं 1984 में ये कंप्लीट हो गया था। एक और यहीं पास में एक और बांध है जो शिवपुरी जिले में आता है, ठीक है, शिवपुरी जिले में आता है, वो बांध है आपका ककेटू, ठीक है, ककेटू, ककेटू डैम,
ठीक है। और ये भी आपका, ये देखिए, ये जो है आपका गंगा नदी जो है, ये पार्वती नदी पे बना है, ककेटू डैम, ठीक है, पार्वती नदी पे, ठीक है, ध्यान रखें, पार्वती नदी पे बना है, मतलब जो गंगा नदी का बेसन है उसमें बना है। 1934 में ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, 1934 में ये कंप्लीट हो चुका है। और आता कौन किस जिले में? शिवपुरी जिले में आता है। पहसारी बांध जो है आपका किस जिले में आता है? ग्वालियर जिले में आता है, ध्यान रखें इसको। अगला प्रश्न है, बटेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स इज लोकेटेड इन, बट मंदिरों की बटेश्वर समूह कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। जैसे बटेश्वर जो मंदिर है, कितने मंदिर का समूह है? 200 मंदिरों का समूह है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कितने मंदिरों का समूह है, ठीक है। किस काल के हैं? तो गुर्जर प्रतिहार ने बनवाए हैं, गुर्जर प्रतिहार के जो शासक रहे हैं उन लोगों ने बनवाए, क्योंकि ये गुर्जर प्रतिहार शैली में है। ये शैली भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस शैली में बनाए गए, ठीक है, कहां पर? मुरैना में, ठीक है, मुरैना जिले में आपके आते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और खास बात है, यहां पे जो मंदिर हैं वो किसके हैं? शिव के, विष्णु के और शक्ति के, इन तीन के प्रमुख मंदिर जो हैं वो शिव, विष्णु और शक्ति के हैं। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये कब बनवाए गए थे? तो 8वीं 9वीं सदी के, ज्यादातर जो मंदिर हैं 8वीं 9वीं सदी के बनवाए गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये हैं आपके मंदिर, इस तरीके से ग्रुप में बहुत सारे मंदिर बनाए गए हैं, इसलिए इनको वटेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शहरों में से मध्य प्रदेश का वह कौन सा शहर है जहां भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है? कल भी ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, ये अलग पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो क्या है आपका? ओमकारेश्वर। दूसरा कहां पर है? महाकाल में। तो ओमकारेश्वर से कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है, ठीक है। और महाकाल, ठीक है, महाकालेश्वर जिसको हम बोलते हैं, उज्जैन में कौन सी नदी बहती है? क्षिप्रा नदी बहती है। अगला प्रश्न है, द टेम्पल ऑफ खजुराहो आर बिल्ट ऑफ, खजुराहो के मंदिर डैश से निर्मित है। तो खजुराहो के जो मंदिर है वो किससे निर्मित है? सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर से, कई बार हमने डिस्कस किया है। किसने बनवाए हैं? चंदेलों ने बनवाए। किस जिले में आते हैं? छत्तरपुर जिले में आते हैं। कंदरिया महादेव मंदिर बहुत फेमस मंदिर है, ये भी वहीं पर है। तो गाइस, ये थे हमारे करीब 20 प्रश्न थे, और साइंस के लिए अगर आपको कंटेंट चाहिए, इसी तरीके की सीरीज साइंस के लिए भी चाहिए, तो अगर मेरे पास 150 कमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, तो मैं जरूर इस सीरीज को स्टार्ट कर दूंगा। थैंक यू।